बहुत जल्दी उसका प्रवेश हिंदुस्तान में होने वाला है और वो तो भाई पूरा तंबू उखाड़ दे। तो एक कॉमन आदमी भी चाहता है कि कोई लो कॉस्ट अल्टरनेटिव मिले, तो भाई यहाँ तो घोर अंधेरा है। उसका हर साल राम नाम सत्य होगा और 2035 तक इस सेक्टर में काम करने वाले 70% लोग, अलार्मिंग 70% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप उसमें से कितनी बड़ी बाइट उठाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। उस वक्त खत्म होने से अच्छा आज तैयार हो जाइए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज के इस उज्जवल पाटनी शो को दिल थाम के देखना, शांति से सुनना, क्योंकि आज के इस शो को देखने के बाद करोड़ों बिजनेस ओनर चिंता में पड़ जाएंगे, करोड़ों एम्प्लॉयज अपने भविष्य को अनिश्चितता में पाएंगे। साथियों, यदि आप 15-20 साल जिंदा रह गए तो आप 1,00,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज को बंद होते हुए देखेंगे, तो एम्प्लॉयज़ को बेरोजगार होते हुए देखेंगे। आप हर शहर में 100 से ज़्यादा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को बंद होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 15-20 साल में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ साफ हो जाएगी। कैसे साफ होंगी, कितनी साफ होंगी, ये हम आगे बात करेंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि ईवी पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी, तो ईवी भी आधी साफ हो जाएगी। ईवी को कौन साफ करने वाला है जिसकी आहट अभी तक सामने नहीं आई है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात बता दूं, ये उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, बेल आइकन दबा दें। 600 से ज़्यादा वीडियो है। यदि वास्तविकता में आप अपनी ज़िंदगी की फिक्र करते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपकी हर समस्या का कोई ना कोई इलाज, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर है। यदि आप आम बन के यूं ही जी के भीड़ की तरह दुनिया छोड़कर चले जाना चाहते हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, अपनी जगह आराम से रहिए। हम आज बात करेंगे पेट्रोल डीजल कारों के प्लस माइनस की, हम बात करेंगे ईवी के प्लस माइनस की, और हम बात करेंगे वो तीसरी कैटेगरी की जिसके बारे में आप आज नहीं जान रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उसकी कॉमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर आ चुकी है, बहुत जल्दी उसका प्रवेश हिंदुस्तान में होने वाला है और वो तो भाई पूरा तंबू उखाड़ दे। सबसे पहले शुरू करते हैं पेट्रोल डीजल गाड़ियों का क्या एडवांटेज है। दुनिया जहान के कोने कोने में इनकी फैक्ट्रीज लगी हुई, इनके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इनका सारा का सारा इकोसिस्टम सेट है। सेकंड, हर जगह पेट्रोल डीजल मिल जाता है तो इनको रिफ्यूलिंग में बहुत आसानी पड़ती है। पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन की डिसएडवांटेज क्या है, सारी दुनिया जैसे जैसे एनवायरनमेंट सेंसिटिव होती चली जा रही है, सबको ये साफ साफ समझ आ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा 70% पॉल्यूशन इन गाड़ियों की वजह से पैदा हो रहा है, तो इस वजह से विकसित देश इनको बंद करते चले जा रहे हैं। सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक लोड। हर देश में पेट्रोल डीजल पैदा नहीं होता, जहां जहां पैदा नहीं होता उनके इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा, या यूं कह लें इकोनॉमी की कमर तोड़ देने वाला हिस्सा पेट्रोल डीजल में जाता है। साथ साथ पेट्रोल डीजल का कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है, तो एक कॉमन आदमी भी चाहता है कि कोई लो कॉस्ट अल्टरनेटिव मिले। और सबसे चौंकाने वाली बात, 30 देशों ने तय कर लिया है कि 2030 के बाद उनके देश में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन नहीं बिकेंगे, तो भाई यहां तो घोर अंधेरा है। तो बड़ा सवाल है कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का भविष्य क्या होगा। इन गाड़ियों से जुड़े डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्यापार में जो लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, अरबों खरबों की पूंजी लगी है, उसका क्या होगा, तो भाई बुरा ना मानना, उसका हर साल राम नाम सत्य होगा, क्योंकि ICE इंटरनल कंबशन इंजन बनाने में जितनी भी यूनिट्स लगे हैं, लगभग 15 से 20 मिलियन लोग लगे हैं जो इस इंजन के अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, ये इंजन धीरे धीरे बंद हो जाएगा और 2035 तक इस सेक्टर में काम करने वाले 70% लोग, अलार्मिंग 70% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और सिर्फ स्पेयर पार्ट्स ही नहीं, यदि आप ऑयल और लुब्रिकेंट्स में भी डील करते हैं तो उस इंडस्ट्री में भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ईवी गाड़ियों में स्पेयर पार्ट्स बहुत कम होते हैं और लुब्रिकेंट मिनिस्क्यूल मात्रा में लगता है। और यदि इसका लार्जर इंपैक्ट सोचूं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हर सड़क में लगे होते हैं, उनकी सेल्स पर भी इंपैक्ट आएगा। हाँ, वो एक तरीके से बच सकते हैं यदि अपने पेट्रोल डीजल पंप में वो ईवी के चार्जिंग स्टेशन बना लें। तो बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए।
बहुत तेजी से इन बिजनेसेस से आपको बाहर आना चाहिए, इन बिजनेसेस के जो रिसेंट सब्स्टिट्यूट पैदा हो रहे हैं उनकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। यदि आपका सप्लायर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी फैक्ट्री चेंज नहीं हो रही है तो आपको नए लोगों का दामन पकड़ना चाहिए जो नए रास्तों पर चल रहे हैं, फ्यूचर सेंट्रिक रास्तों पर चल रहे हैं। यदि आप इसी बिजनेस को धीरे धीरे मरते देखेंगे तो यकीन कीजिए इसके साथ आप कितने भी बड़े हाथी क्यों ना हो, कुछ साल में आप दफन हो जाएंगे। तो यदि आप पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन के इकोसिस्टम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उन बिजनेसेस का हिस्सा या उसमें एम्प्लॉयड हैं और इस वक्त आपको घबराहट हो रही है तो रुक जाइए। तुरंत घबराने की जगह पता कीजिए मेरा अगला बिजनेस गुरुकुल कहाँ पर हो रहा है। स्क्रीन पे अगला शहर, डेट, टाइम सब कुछ आ रहा है। आपको 12 महीने मेरे साथ बिताना है, और 12 महीने नहीं, हर महीने में एक दिन 12 महीने तक मेरे साथ बिताना है। मैं आपको बताऊंगा कौन से नए बिजनेस में आपको जाना चाहिए, किस में फ्यूचर है, आप वर्तमान डेड स्टॉक का क्या करें, आपकी बाजार में जो पूंजी फंस गई उसका आप क्या करें, और अगले 5 से 15 साल में जो पेट्रोल डीजल बेस्ड बिजनेसेस खत्म होंगे तब तक मैं आपको गारंटी देता हूं आप कोई ना कोई नया बिजनेस खड़ा कर चुके होंगे, बड़ा कर चुके होंगे, और आप खुली आंखों से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देख रहे होंगे जिन्होंने सही समय पर फैसला नहीं लिया और वो बर्बाद हो गए। ईवी कार, ईवी टू व्हीलर, ईवी मोटरसाइकिल, ईवी बस, चारों तरफ ईवी ईवी का हंगामा है। तो थोड़ी देर में बताऊंगा कि ईवी का तंबू कौन उखाड़ेगा, लेकिन उसके पहले ईवी की तारीफ तो कर लें। सबसे बड़ा प्लस, इकोनॉमिकली चीपर, चलाने में लगभग 70% कम खर्चा लगता है। तो जो आम आदमी होता है उसका जो फ्यूल पर एक्सपेंस हो रहा है वो बच रहा है, वो बच के उसके घर में दूसरी चीज़ों में उपयोग हो रहा है। तो एक तो डायरेक्ट सेविंग पैसे की हो रही है, वो जो उसकी बचत हो रही है वो वापस से मार्केट में आ रही है, तो ओवरऑल इससे GDP इंप्रूव होगा। सरकार पर जो इकोनॉमिक लायबिलिटी, जो लोड है, वो जितना पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम होगा उतना वो लायबिलिटी, वो लोड कम होगा, उतना पैसा देश में रुकेगा, उतना पैसा देश के विकास में काम आएगा। तो ईवी अपने सस्ता होने की वजह से बहुत तेजी से लोगों को पसंद आ रही है। सेकंड सबसे बड़ा कारण, बिजनेस वाइज एक्सप्लोजिव ग्रोथ। दुनिया जहान के उद्योगपति किस धंधे में घुसना चाहते हैं, जहां खूब ग्रोथ हो, जिसको सरकार का सपोर्ट हो, जिसमें फ्यूचर हो और जिसको जनता पसंद करे हो। तो ईवी का सेक्टर इतना एक्सप्लोजिव ग्रोथ देख रहा है कि 2023 में 85% ग्रोथ हुई। US, चाइना, यूरोप ने जबरदस्त सपोर्ट किया, जबरदस्त सब्सिडीज दी, और देखते ही देखते इंसेंटिव्स की वजह से ईवी उद्योग ने एक्सप्लोजिव ग्रोथ दिखा दी। अब दुनिया की हर ऑटोमोबाइल कंपनी, चाहे वो किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्टेशन बनाती हो, वो कैसे भी ईवी की फील्ड में घुसने और सक्सेसफुल होने का रास्ता तलाश रही। सबसे बड़ा कारण, ग्रीन अपील। ईवी पैदा क्यों हुई, ईवी पर रिसर्च क्यों की गई, क्योंकि देखा गया भाई ये जो ट्रांसपोर्टेशन रात दिन बढ़ रहा है, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, एक घर में एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, हर मेंबर के पास एक गाड़ी, किसी किसी घर में हर मेंबर के पास दो दो तीन तीन गाड़ियाँ, सड़कें गाड़ियों से पट रही है। जितना डेवलपमेंट होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो ऐसे में तो धरती खत्म हो जाएगी, एनवायरनमेंट की बैंड बच जाएगी, तो कोई क्लीनर ऑप्शन चाहिए। ऐसे में ईवी का जन्म हुआ, इसीलिए सरकारें इसका साथ दे रही है। ईवी पेट्रोल डीजल गाड़ियों की तुलना में लगभग 60% ज्यादा क्लीन होती है, और यही कारण है ईवी के फास्ट अडॉप्शन का। लेकिन रुक जाइए, ईवी का बाप आ रहा है, और अभी अगले 2 मिनट में मैं उसके बारे में बताना जा रहा हूं, जो धुआं ही नहीं छोड़ता। तो भाई छोड़ता क्या है फिर, बताता हूं, रुकिए। कुछ लोग पूछते हैं सर क्या ईवी में कोई डिसएडवांटेज नहीं है? भाई क्या दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो भी सकता है जिसका कोई डिसएडवांटेज ना हो? तब तो उस सेक्टर में ग्रोथ ही रुक जाएगी। ईवी की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हाई एंट्री कॉस्ट। तो ईवी लेते वक्त ही 20-50% महंगी पड़ती है। तो जिन लोगों को कम चलना है, जिनका मूवमेंट कम है, वो सोचते हैं यार मैं तो अपनी लाइफ टाइम में भी इस डिफरेंस को नहीं निकाल पाऊंगा, तो ऐसे लोग पेट्रोल डीजल की जगह ईवी लेने से कतराते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अपनी कार लेके निकल गए,
पता चला जी 200-300 किलोमीटर तक कुछ चार्जिंग का नहीं मिला, अब आपकी कार तो ठंडी हो गई, क्या करोगे। सेकंड, फ्यूल भराने में क्या होता है, 10 मिनट 5 मिनट 1 मिनट में आप फुल टैंक हो जाते हैं, लेकिन ईवी का जो चार्जिंग टाइम है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं 4 घंटे 5 घंटे रुकना पड़ता है। हालांकि बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और इस वजह से जो पहले ओवरनाइट चार्जिंग की बात थी वो 10 घंटे रह गई, 8 घंटे रह गई, 6 घंटे रह गई, 4 घंटे 2 घंटे तक भी आ गई है, लेकिन उसी अनुपात में फिर उनका कॉस्ट भी बढ़ा है। तो आज की डेट में ईवी चलाने वाले व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती कि मैं चार्ज कहां से करूंगा। हालांकि धीरे धीरे जब खूब कंपनियां ईवी बनाने लग जाएगी और सब अपने अपने चार्जिंग स्टेशंस लगाएगी और ये सारे चार्जिंग स्टेशंस आपस में शेयर करेंगे, यहां तक कि रास्ते में बिजनेसेस के रूप में लोग पर्सनल चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, तो धीरे धीरे उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम हल होगी। लेकिन आज की डेट में चार्जिंग एक चैलेंज है। किसी ने कहा इतनी ईवी चलाओगे, इतनी बैटरी लगाओगे तो भाई लिथियम कहां से लाओगे। लिथियम दुनिया में कुछ देशों के पास है, वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो मोस्टली लिथियम डोमिनेटेड टेक्नोलॉजी है। ऐसे में बैटरी बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे पहले पेट्रोल डीजल के साथ कुछ देशों ने पूरे बाजार पर कब्जा करके रखा था, वैसे ही धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन रही है कि जिनके पास लिथियम है वो राजा बन गए। तो आज की डेट में वो राजा है। आज की डेट में बैटरी जो आ रही है उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसकी सप्लाई, उसकी क्वांटिटी, सब पे चैलेंज चल रहा है। लेकिन यहां पर भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि इसमें भी तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और ऐसी बैटरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो लिथियम डिपेंडेंट ना हो। तो अब बड़ा सवाल, ईवी का फ्यूचर क्या रहेगा। भाई अभी ईवी का फ्यूचर बल्ले बल्ले है, क्योंकि सारी सरकारें ईवी को प्रमोट करने पर लगी है। 2035 तक दुनिया में ईवी रूल करने लग जाएगी, बहुत सारे देशों से फॉसिल फ्यूल से यानी कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां बंद हो जाएगी। और एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक आपको बताता हूं, जो ईवी का मार्केट 2023 में $60 बिलियन का है, वो 2035 आते आते यानी महज 10 से 12 साल में $300 बिलियन यानी लगभग 5 गुना होगा, और ये भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो जो भी धंधा ईवी के इन एंड अराउंड बिल्ड होगा वो धंधे अगले 10 से 30 साल के बीच शिखर पर रहेंगे, तैयारी कर लीजिए। और अब वो रहस्य खोलता हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आने वाले समय में ईवी को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जापान से है। जापान की टोयोटा ने कहा हमको न तो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ चाहिए, न ही लॉन्ग टर्म में ईवी वाली गाड़ियाँ चाहिए, क्योंकि ईवी की बैटरीज बनाना भी अपने आप में चुनौती होगी। तो उन्होंने चुना हाइड्रोजन को, और ऑलरेडी हाइड्रोजन पावर्ड मिराई जापान की सड़कों पर बड़ी तादाद में दौड़ रही है। ये मत सोच लेना ये तो कब बनेगी और कब बाजार में आएगी। ह्यूंडाई की नेक्सो नाम की गाड़ी भी सड़क पर आ चुकी है, बीएमडब्ल्यू भी लगभग दरवाजे पर खड़ी है हाइड्रोजन की कार लेके। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये एमिशन के रूप में महज वाटर वेपर छोड़ती है, ये धुआं नहीं, ये किसी भी किस्म का पॉल्यूशन नहीं, गैस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाष्प छोड़ती है जिससे पॉल्यूशन 0% होता है। हाइड्रोजन कार ईवी से कहां जीतेगी, रिफ्यूलिंग टाइम पर जीतेगी। एक गाड़ी में फुल हाइड्रोजन भरने में महज 3 से 4 मिनट लगता है, ईवी तो छोड़िए पेट्रोल डीजल से कम समय में यह गाड़ी रिफ्यूल हो जाती। दुनिया में जो हाइड्रोजन कार के विरोधी भी है ना, वो भी कहते एक जगह तो हाइड्रोजन कार पक्का बाजी मारेगी, वो है हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन, हैवी शिप्स, हैवी बसेस, हैवी ट्रक्स और फ्लाई वाला भी कुछ मामला हो सकता है। इन सब में हाइड्रोजन कार आगे निकल जाएगी, क्योंकि ईवी की चुनौती है रेंज, ईवी की चुनौती है बैटरी का पावर। जितना ज़्यादा पावर, जितनी ज़्यादा रेंज चाहिए, उतनी बड़ी और वजनी बैटरी चाहिए, और इसी हैवी शिपिंग, हैवी ड्यूटी वर्क में हाइड्रोजन निर्विरोध विजेता बनेगा। तो फिर वही सवाल उठता है, क्या हाइड्रोजन कार में कोई डिसएडवांटेज नहीं है।
अरे ऐसा कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता जिसमें कोई डिसएडवांटेज ना हो। इलॉन मस्क कहते हैं पूरी की पूरी हाइड्रोजन की अवधारणा फुलिश अवधारणा है, क्योंकि इसमें बैटरी बनाने से कई गुना ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो कई गुना ज़्यादा एनर्जी लगाने की जगह सीधे बैटरी से चला लो। सेकेंड बहुत बड़ी डिसएडवांटेज जो कि अभी तत्कालीन डिसएडवांटेज गिनी जा सकती है, जैसे जैसे सेक्टर बढ़ेगा ये डिसएडवांटेज कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। आज की डेट में पूरी दुनिया में महज 1000 फिलिंग स्टेशन है हाइड्रोजन के। कब ये हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन पूरी दुनिया में जाएंगे, कब ये टेक्नोलॉजी दूसरी कार कंपनियां अपनाएगी, सरकार इनके साथ कैसे बिहेव करेगी, इनको सब्सिडीज मिलेगी कि नहीं। एक अकेली कंपनी पूरी दुनिया में क्रांति नहीं ला सकती। 5000 ऑटोमोबाइल कंपनियां जब ईवी बना रही है तो वो अपने अपने जुगाड़ से, अपने अपने प्रेशर से, अपनी अपनी लॉबिंग से, मेरिट से, वो अलग अलग देशों में ईवी के लिए सब्सिडीज घोषित करवा रही है। लेकिन हाइड्रोजन कार्स की टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में 2-3 कंपनियों के पास लिमिटेड है, तो दुनिया की अधिकांश कंपनियां अगले 30 से 50 साल ईवी पर फोकस करना चाहेगी, और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को उस मात्रा में खड़ा करना और बड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये मैं आज कह रहा हूं, कोई नहीं बता सकता 3 से 5 साल में क्या परिवर्तन आ जाए। एक बात तो निश्चित है, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन में हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, लेकिन 2-व्हीलर 4-व्हीलर में इसकी बैंड बजेगी और भारत जैसे कॉस्ट कॉन्शियस देशों में पक्का बजेगी। उसका कारण यह है कि ये फॉसिल फ्यूल से, मतलब पेट्रोल डीजल से भी थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। लगभग $5 से $6 पर किलोग्राम इनका कॉस्ट ज़्यादा है, तो इस वजह से इनके स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन अडाप्टेशन में बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। अगले 10 से 15 साल में हैवी शिपिंग का 30-40% बाजार हाइड्रोजन पावर्ड ट्रांसपोर्टेशन के पास होगा। और एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स आपको बता दूं, 2040 तक दुनिया की 25% ट्रक्स, हैवी ड्यूटी ट्रक्स हाइड्रोजन से चलेंगी, ऐसा विरोधी भी मान रहे हैं। तो अब यहां पर क्या नए धंधे इमर्ज हो सकते हैं? तो अगले 15 साल में क्या आप हाइड्रोजन रिलेटेड हैवी शिपिंग में एंट्री कर सकते हैं? क्या आप उनकी टेक्नोलॉजी किसी भी रूप में, यदि आप बड़े प्लेयर हैं तो ला सकते हैं? यदि वो टेक्नोलॉजी आ रही है तो क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी होलसेलिंग, उसकी रिटेलिंग, उसके स्पेयर्स किसी भी रूप में आप एंट्री कर सकते हैं? क्या जिन रास्तों से हैवी शिपिंग होगी, फ्रेट और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जहां जहां पर चमन बनेगी, क्या वहां पर आपका रिफ्यूलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है? यदि हो सकता है तो हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्टेशन अगले 15 साल फ्रेट, लॉजिस्टिक्स, हैवी शिपिंग, इन सब को बदल के रख देगा। आप उसमें से कितनी बड़ी बाइट उठाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अब कई लोग सोच रहे हैं, पाटनी साहब इतना लंबा ग्रंथ आपने सुना दिया, हम क्या करें? यदि आप किसी भी फॉसिल फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री या उससे रिलेटेड इंफ्रा में एम्प्लॉयड हैं, उसकी किसी भी सपोर्ट इंडस्ट्री में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, तो भले आज की डेट में आपकी सैलरी बढ़िया हो, टाइमली प्रमोशन मिल रहा हो, लेकिन किसी भी दिन उस पर संकट आ सकता है, जॉब स्विच ओवर की प्लानिंग स्टार्ट करिए, एडिशनल स्किल पैदा करिए जिससे आपको तेज़ी से अलाइड ईवी, अलाइड हाइड्रोजन या किसी भी और जगह जॉब मिल सके। निर्भर मत बैठिए, क्योंकि अचानक जिस दिन ये छटनी का दौर शुरू होगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूं, उस वक्त खत्म होने से अच्छा आज तैयार हो जाइए। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सबसे बड़ी सलाह, यदि आप किसी भी रूप में किसी भी 2-व्हीलर 4-व्हीलर या ऐसे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी पार्ट, किसी भी सपोर्ट सिस्टम, आप एक छोटे मैकेनिक हो सकते हैं, आप एक ल्यूब ऑयल के सेलर हो सकते हैं, यदि आप इनमें से कुछ भी हैं तो जाग जाइए, अपने बिजनेस में ट्वीकिंग स्टार्ट करिए। जो नए किस्म की गाड़ियां सड़कों पर आ रही है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं इसको सोचिए, नहीं तो धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन होगा, आपके पैसे बाजार में फंसेंगे, आप जिनको माल सप्लाई करते हैं वो लोगों से पैसे निकालने में आपको बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो भी खत्म हो रहे होंगे, और एक दिन अचानक आप देखेंगे कि बहुत बड़ी इन्वेंट्री के साथ, बहुत बड़े बाजार में उधार के साथ आप फंस गए हैं। भविष्य में खत्म होने की जगह आज जाग जाइए। और सबसे बड़ी बात मैं अंत में फिर से दोहराना चाहूंगा, यदि आपको नया बिजनेस समझ ना आ रहा हो, यदि आपको अपने बिजनेस में नया प्रोडक्ट या नया वर्टिकल कैसे एंटर करें ये समझ ना आ रहा हो,
यदि आप अपने बिजनेस को किस डायरेक्शन में ट्विस्ट या शिफ्ट करें ये समझना आ रहा हो तो तुरंत मेरे लोकप्रिय बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में आइए। 12 महीने आपको मेरे साथ बिताना है, महज एक दिन हर महीने आना है आपको, और इन 12 दिनों में हम दुनिया जहान के सैकड़ों धंधों को एक्सप्लोर करेंगे। उसमें से कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा आपको सूट करेगा, कौन सा आपकी ज्योग्राफी को सूट करेगा, कौन सा आपकी पूंजी को सूट करेगा, इन सब पे बात करेंगे ताकि आप दूसरों के साथ ख़त्म ना हो, अभी नए बड़े और कड़े फैसले लेके एक नई सुनहरी सुबह का निर्माण अपने लिए करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।